तो दोस्तों मेरा हेयर वॉश हो चुका है, तो ये फाइनल रिजल्ट है। और अब इसका पहले मैंने क्या किया है वो मैं एंड तक बने रही वीडियो में, और देखने को मिलेगा कि कैसे आपको ठंड के समय अपने हेयर को ख्याल रखना है, हेयर को वॉश करना है, ये मैं बता रही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक माई चैनल। दोस्तों तो ये देख रहे हैं क्या है, ये नीम के पत्ते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने उबाल लिया है। उबालने के बाद क्या किया है, इसको पानी छान लूँगी। पानी देखिए, इतना पानी में तो हेयर वॉश हो जाएगा। तो ये पानी को ठंडा होने देना है, ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसमें जी अपने बाल के अनुसार, मतलब जितना आपका हेयर है उतने अनुसार आपको शैम्पू ऐड करना हो, दो या तीन या एक भी ऐड कर सकते हैं। उसमें मिक्स करके उसके बाद क्या करना है, हेयर वॉश कर लेना, हेयर भिगाने के बाद, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका डैंड्रफ दूर हो जाएंगे, हेयर से हेयर प्रॉब्लम सारे दूर हो जाएंगे, क्योंकि कड़वा नीम का पानी है गाइस। इसमें भी नीम ऐड किया गया है दोस्तों, देख सकते हैं इसमें। इसको मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो ये रहा दोस्तों पतंजलि का शैम्पू, इसी से मैं हेयर वॉश करती हूँ। और नीम के पानी में मैं ऐड कर दी हूँ, देखिए झाग बनने लगा है। इससे मैं हेयर वॉश करूँगी, इससे मेरा डैंड्रफ दूर हो जाएंगे, जितने भी प्रॉब्लम होगा मेरे हेयर के जड़ में वो सब दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, थैंक यू। तो ये दोस्तों इस तरह से अपना हेयर वॉश कर सकते हैं।